ओके बच्चा पार्टी, सेमीकंडक्टर चैप्टर के सम्स एग्जांपल 14.1। हालांकि ऐसे तो इजी बोल सकते हैं, सारे इजी है। अभी आज के आज आप 10-12 सम्स पढ़ के जाओगे, 10 से 12 से 15 सम्स खत्म हो जाएंगे आज ही। सब थियरी बेस्ड है, आपने थियरी पढ़ा है तो आपको मजा आना ही आना है। चलो देखो, कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव सेम लेटाइस स्ट्रक्चर, सेम ही स्ट्रक्चर है ना ये सब लोग, नहीं उधर फोर्थ कॉलम जो आता है पीरियोडिक टेबल का उसी में आते हैं सब कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, तो दे ऑल हैव सेम लेटाइस स्ट्रक्चर। फिर भी कार्बन इज इंसुलेटर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ऐसा क्यों, तो बताता हूँ ऐसा क्यों। देख भाई, कोई भी सेमीकंडक्टर होगा या कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा, ये डिपेंड करता है बैंड गैप पे। ये बैंड गैप क्या बोला है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है ना, दैट गैप इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। तो देखो, जैसे सबसे नीचे होता है वैलेंस बैंड, ये रहा वैलेंस बैंड का एनर्जी, हम ऐसे दिखाते हैं ईवी से एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। फिर ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, उसका एनर्जी हम ईसी से डिनोट करते हैं ना, और बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ दिस गैप, फॉरबिडन गैप। तो ये गैप, अब जनरली वैलेंस बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। हाँ, अब ये इलेक्ट्रॉन इस गैप में से जंप मार के कंडक्शन बैंड में जाए तो करंट फ्लो होता है, और नहीं जा पाए तो नहीं होता है। तो मैं बोलूँ किसी के लिए गैप बहुत ज़्यादा है, तो क्या वो करंट फ्लो करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा, गैप ज़्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ नहीं जा पाएगा, है कि नहीं। तो जिसका गैप ज़्यादा वो इंसुलेटर, जिसका गैप कम वो सेमीकंडक्टर, क्योंकि वो थोड़ा फ्लो करवाएगा थोड़ा नहीं करवाएगा, और जिसके गैप ही नहीं है दे ऑल आर कंडक्टर, कंडक्टर में गैप ही नहीं होता है कि नहीं। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन करना है कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम का। दोस्त, कार्बन के लिए ये गैप है ना 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी गैप क्रॉस करके वैलेंस में से कंडक्शन में जा पाए, नॉट पॉसिबल। लेकिन सिलिकॉन में गैप कम होता है 1.1, जर्मेनियम में तो और भी कम होता है 0.7। इसलिए ये दोनों सेमीकंडक्टर हैं और ये क्या है आपका, इंसुलेटर। ये बहुत सिंपल सी आर्ग्यूमेंट है कार्बन को इंसुलेटर जस्टिफाई करने के लिए एज कम्पेयर टू द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दिस इज अ वेरी सिंपल आर्ग्यूमेंट। एक और आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हो, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, सिलिकॉन का भी वैलेंसी 4, जर्मेनियम का भी 4 होता है कि नहीं। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना दूर के ऑर्बिट में है उतना इजीली गिव अप करेगा और आयनाइज्ड हो जाएगा। तो आपको पता है कार्बन के सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, सिलिकॉन के थर्ड ऑर्बिट में होते हैं और जर्मेनियम के तो फोर्थ ऑर्बिट में होते हैं। तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन गिव अप करेगा, जर्मेनियम, क्योंकि दूर है, फोर्थ ऑर्बिट में बैठा है। और कार्बन के इलेक्ट्रॉन है ना इजीली गिव अप नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं बॉन्ड को, क्यों, क्योंकि वो सेकेंड ऑर्बिट में थोड़ा क्लोजली टाइटली होल्ड है कि नहीं। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन आसानी से गिव अप नहीं करेगा क्योंकि वो नज़दीक है, और सिलिकॉन जर्मेनियम में इजीली गिव अप करेंगे। ये भी एक अच्छा आर्ग्यूमेंट है इसको इंसुलेटर जस्टिफाई करने का। तो दो आर्ग्यूमेंट में मैंने आपको आंसर दिया, आई होप आपको अच्छा लगा। ठीक है, चलो हो गया।